तो कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी आपके सामने जो लेके आया हूँ ये रहने वाली है मेट्रो में। जी हाँ, मेट्रो के अंदर आप जूनियर इंजीनियर के लिए बम्पर वैकेंसी की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग की ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है। दोस्तों आप जान के बहुत ही अच्छा लगा था कि यहाँ फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं, वो भी बिल्कुल फ्रेशर। दोस्तों इसमें 2023 में जो पास आउट होने वाले हैं वो भी एलिजिबल है। दोस्तों अगर आपको मैं बता दूँ, आज अब से जो भी वैकेंसी आया करेगी मैक्सिमम 2023 वाले भी एलिजिबल रहा करेंगे, तो 2023 वाले भी अपना देख ले, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दे। अगर आपको मैं बताऊं कि सीटीसी इस कंपनी में कितनी रहने वाली है, 6 लाख रुपीस। दोस्तों यहां से जॉब लगना कंफर्म हो सकता है, डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों ही एलिजिबल है। कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मेरा आपसे इतना रिक्वेस्ट है, मैं ऑलरेडी हर ब्रांच से रिलेटेड रिज्यूम फॉर्मेट बना रहा हूँ जो कि आपके बहुत ही आगे जाके बेनिफिशियल होंगे। तो मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि जिस जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, ब्रांच और पास आउट ईयर ज़रूर मेंशन कर दें। और मैं आपको ये बताऊं, इस वीडियो पे अगर आपने 300 लाइक्स दे दिए तो मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ कि आपके लिए जॉब निश्चित रूप से मैं आपके सामने विद इन 4 दिन के अंदर आपकी जॉब लगवा के मानूंगा। लेकिन एवरीवन लाइक जरूर कर देना। और इसका लाइक का टारगेट मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, अभी भी 300 इस वीडियो पे लाइक का टारगेट रखते हैं। दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है और किन किन के लिए वैकेंसी आई है, दोस्तों ये आई है क्योलिस मेट्रो की तरफ से। क्योलिस मेट्रो दोस्तों ये वैसे तो इनके ऑफिशियल लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और ये जो है डिप्लोमा और डिग्री होल्डर दोनों के लिए है। और दोस्तों इसके साथ साथ इनकी जब वेबसाइट पर हम जा रहे हैं तो यहाँ भी बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी है क्या क्या। ये जो क्योलिस वर्क कहां करता है, कौन से ग्रुप में करता है, दोस्तों हैदराबाद मेट्रो रेल, हैदराबाद मेट्रो रेल के अंडर जो कंपनी काम करती है मैक्सिमम वो क्योलिस ही करती है। दोस्तों क्योलिस जो है हैदराबाद MRTS के नाम से ही जानी जाती है। इसका बहुत बड़ा ग्रुप है, इंडिया के साथ साथ ग्लोबलाइट वर्क करता है। ये मेंटेनेंस में भी, इसके साथ साथ सिग्नल ट्रैफिकिंग में भी, किसी भी चीज़ का ज़्यादातर क्योलिस मेट्रो ही करता है। दोस्तों अगर यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात देख लेंगे, सबसे पहले तो AMS ऑफिसर और मैक्सिमो के लिए कुछ वैकेंसी निकल के आ रही है, आपको नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। इसमें एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल हैं, लेकिन मैं फ्रेशर वालों की भी बात करूंगा। और दोस्तों यहां इन्होंने क्या मांगा है, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, एक्सपीरियंस वाले में मांगा है कि आपने जो है कि इंजीनियर ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी ब्रांच से, आपने सिविल से की हो, आपने मैकेनिकल से की हो, आपने इलेक्ट्रिकल से की हो, आपने अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए। दोस्तों ग्रेजुएट का मतलब बहुत कंपनी में मिनिमम क्वालिफिकेशन देते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि BE BTech जो है, जो डिप्लोमा होता है मैंडेटरी होता है, इसके साथ साथ आपने डिप्लोमा BE BTech कर रखा है वो भी एलिजिबल होते हैं। दोस्तों दूसरी जो वैकेंसी है बिजनेस एनालिटिक में, बिजनेस एनालिटिक में इन्होंने क्या मांगा है, ITI डिप्लोमा इंजीनियर दोस्तों, और इसमें मांगा है 5 ईयर का एक्सपीरियंस किसी भी ब्रांच से, किसी भी ब्रांच से। और दोस्तों इन्होंने एक चीज़ साफ बोली है कि आपको जो है थोड़ा सा डाटा की नॉलेज होनी चाहिए। और इन्होंने एक चीज़ और आपको ना अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ जो है जो सेकंड वैकेंसी है जिसमें ITI डिप्लोमा इंजीनियर सभी एलिजिबल है, इसमें भी इन्होंने 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखा है। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आ गई वो आ गई सिग्नलिंग टीम लीडर की, सिग्नलिंग टीम लीडर में डिप्लोमा इंजीनियर इन रेस्पेक्टिव SIOG। और इन्होंने क्या बोला है, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर कौन कौन सी ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन। दोस्तों ये सब ब्रांचेस से अगर आप, इन्होंने बोला है वैसे तो 3 साल का एक्सपीरियंस, बट अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है, देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा की स्किल में फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर इन रिलेवेंट फील्ड वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। दोबारा समझ लीजिए, वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर हैं तो। नेक्स्ट जो है रोलिंग
स्टॉक टीम लीडर। दोस्तों रोलिंग स्टॉक टीम लीडर में इन्होंने क्या मांगा है, डिप्लोमा ग्रेजुएट इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिविल से, और इसके साथ साथ इन्होंने बोला इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेंटेनेंस नॉलेज ऑफ टेक्निकली मेट्रो रेल मेट्रो ऑफ इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट। जहां इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट की बात आ गई वहां सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये तीनों ब्रांचेस ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाती हैं, याद रखिएगा जहां इंडस्ट्रियल रूट उसकी बात आ गई। और दोस्तों इन्होंने साफ साफ लिखा है हाई लेवल फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड, ध्यान से सुन लीजिएगा, वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड, अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं तब भी आप कंसिडर्ड किए जाएंगे। इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि अगर आप फ्रेशर हैं तब भी कंसिडर किए जाएंगे, आप एक्सपीरियंस है तब भी कंसिडर किए जाएंगे। दोस्तों ये थी वैकेंसी, अब इसको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इन्होंने जो है यहाँ मेल आई डी दी है kyolis.hyderabad@kyolishyderabad.com पे, यहां से आपको अप्लाई कर देना है। आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका चांसेस है रिप्लाई आने का। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है आपको कवर लेटर के साथ। अभी कवर लेटर की क्या बीमारी है, कवर लेटर किस चिड़िया का नाम है, कवर लेटर होता क्या है। दोस्तों कवर लेटर आज के टाइम में कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना। दोस्तों कवर लेटर आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बना के टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया है। वहां जाके आप जल्दी से जल्दी कवर लेटर देख सकते हैं। अब बात आई इसका लिंक कहां मिलेगा। दोस्तों इसका लिंक मैं तीन जगह प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अप्लाई लिंक, क्योलिस अप्लाई लिंक, या फिर मेट्रो रेल मेट्रो जेई अप्लाई लिंक, मेट्रो जेई अप्लाई लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वहां से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एक बात और दोस्तों, कमेंट करके अपने बारे में जरूर मेंशन करते जाएं आप किस ब्रांच से हैं और किस ईयर के पास आउट है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जाना है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे और इस मेल आईडी को कॉपी कर लेना है kyolis@kyolishyderabad.com पे, टेलीग्राम से कॉपी करना है आपको कवर लेटर। तो दोस्तों चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों उसके बाद आना है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मेरी वेबसाइट पे हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ आके आपको यहाँ ऊपर ही पिन मैसेज का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ आपको रिज्यूम फॉर्मेट भी मिल जाएगा, रिज्यूम फॉर्मेट के साथ साथ जो अगर आप देखेंगे यहाँ आपको कवर लेटर भी मिल जाएगा। कवर लेटर जो होता है अपने आप में क्या चीज़ होती है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, इसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर का क्या काम होता है, मैंडेटरी क्या काम होता है। दोस्तों पहले क्या होता था कि आपका सीवी जो है इन हैंड देना पड़ता था, बट आज के टाइम में हर चीज कवर लेटर के साथ, मतलब आपका रिज्यूम बहुत कम बंदे पढ़ते हैं बट कवर लेटर हर एक बंदा पढ़ता है। तो आप जो है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी, अगर आपके पास दूसरा कवर लेटर है तो आप मेरे से शेयर भी कर सकते हैं, अगर मेरे को अच्छा लगेगा मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर आपका नाम लेके आपको क्रेडिट करके दूंगा उसको। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो कंटेंट है, आपके पास सीवीज है जो है दुनिया की हेल्प करनी है हमें, तो आप हेल्प जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको आना है उसके बाद मेरे मेल सेक्शन में, या फिर आपको जो अब जो भी आपका मेल सेक्शन है उसमें जाना है, वो कवर लेटर जो कॉपी किया था उसको यहाँ पुटअप कर देना है। देखिए सब्जेक्ट में याद रखिएगा कि आपकी ब्रांचेस कौन सी है, रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, अब डियर सर ऑब्लिक मैम ऐसे, और ये जो है पूरा का पूरा ही बहुत ही अच्छा है, आप डिप्लोमा बीटेक प्लेस ऑफ नेम कॉलेज ये सभी आपको मेंशन कर देना है जो भी वहां लिखा है। और इसको आपको जो आपको मेल आईडी मैंने बताई वहां जो मैं वीडियो बता रहा था उसमें जो मेल आईडी बताई है उसको आपको टू में रख के फॉरवर्ड कर देना है, किसके पास भेज देना है, उसके पास भेज देना है जो आपको मेल आईडी दी है। याद रखिएगा इसके साथ साथ अपना सीवी मतलब अपना बायोडाटा या फिर कोई भी अपना डेट वो सारा आपको अपलोड कर देना है। किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू, बट आपसे एक और चीज़ की रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उस पर जल्दी से जल्दी मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मॉनिस्टर का मिल जाएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।